अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लाई हूँ, ये है वेज पुलाव की रेसिपी। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होती है, और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी मैंने यूज़ किया है, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोरिएंडर सीड लिया है, सौंफ लिया है, अदरक लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। हमको ना इनका एक पेस्ट बना लेना है, तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो, और इसको हम साइड में रख देंगे अभी। यहाँ पर एक मैंने टोप ले लिया है, जिसमें भी आपको पुलाव बनाना रहेगा आप वो ले सकते हो, और साथ ही में मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमारी सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर लिया है, फ्रेंच बीन्स लिया है और कैप्सिकम लिया है, और इनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो, इसको राउंड शेप दे सकते हो, या जैसे मैंने कट किया है आप वैसे जूलियंस में कट कर सकते हो। और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इन्हें इतना ही बस पकाना है कि अच्छे से कुक हो जाए और इनका क्रंच नहीं जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन भी ऐड कर दी है, और इस तरह से आप इनको निकाल दीजिए। ये देखिए, और इन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दिए, और हमें फ्राई करके इनको बाहर निकाल देना है ऑयल से। तो शिमला मिर्च को जैसे है कि बहुत टाइम नहीं लगता है, ऑयल गर्म था तो ये बहुत जल्दी से हो गया। तो सेम ऑयल में हम अभी यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के अनियन ऐड करेंगे। इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कट कर लिया है स्लाइस में। तो यहाँ पर अनियन भी हमारी ब्राउन हो गई है, हमें अनियन को बहुत डार्क कलर नहीं करना है, वरना हमारा पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। तो आप इतना हो जाए तो इसे बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें से मैं आधा बाहर निकालूँगी और आधा मैं इसी में रहने दूँगी। ये कुछ गरम मसाले हैं जो कि मैंने ज़ीरा, शाही ज़ीरा लिया है, लौंग लिया है, हरी इलायची है, बे लीफ है, सिनेमन स्टिक है, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे ये स्टेज पे, और इन्हें भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जब मसालों की अच्छी सी गरम मसालों की खुशबू आने लगे तो हम इसमें दो मीडियम साइज़ की टमाटर ऐड कर देंगे इसमें, और इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल में। इस तरह से आप भूनते जाइए जब तक हमें इसे भूनना है अच्छे से, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, और आप साथ ही स्पून की मदद से इसे मिक्स भी करते जाइए। और यहाँ पे ये पूरी पेस्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो ऐड कर देना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, आप के हिसाब से डाल देना। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हो तेल भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी राइस यानी 2 कप राइस लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मैंने भिगा के रखा था हाफ़ एन आवर के लिए। तो हमें इसे हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है वरना हमारे चावल है ना वो टूट जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2 कप इसी से लिया था चावल, इसके मेजरमेंट से, तो मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बासमती राइस है तो पानी इतना लगेगा इसमें। तो ये देखिए, इसमें एक बॉईल भी आ गया है अच्छे से, हमें इसे बॉईल कर लेना है अच्छे से। तो जब हमारा ये चावल इस स्टेज पे आ जाए, जब पानी पूरा ड्राई हो जाए, तो हम इसमें हमारी फ्राइड वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसका क्रंच अभी भी नहीं गया है, जैसे कि मैंने बोला कि इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना था। और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कलर था ग्रीन कलर का, तो वो मैंने ऐड कर दिया, और ये फ्राइड अनियन है जो हमने स्टार्टिंग में साइड में रखी थी। और इसे अभी हम रख देंगे
दम के लिए 20 मिनट्स के। तो ये देखिए, ये हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया है, और कितना जल्दी बन के रेडी हो गया। और आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना साथ में। थैंक यू, बाय बाय।